चीज़ की टेंशन नहीं है, क्योंकि आपको ब्रह्मताल के टॉप से ब्रह्मताल की काफी सारी कैंप साइट दिखती हैं, पर और मंदिर भी दिख रहा है। मुश्किल होगा, लेकिन हम ट्राई करते हैं कि हम अपना टाइम शेयर नीचे डिसेंड कर दें पूरा। आई एम रणधीर प्रताप सिंह एंड आई एम कोमल सिंह सीरा। वी आर थिएटर आर्टिस्ट विद स्पिरिट्स ऑफ एन एडवेंचरर। एज अ स्ट्रे वी ट्रैवल एंड एज एन आर्टिस्ट वी लिव। दोस्तों ये रही लोहाजंग वैली, वो रहा डीडना विलेज जहाँ से अली बेडनी का ट्रैक स्टार्ट होता है, और हमें यहाँ से रिज से होते हुए नीचे को डिसेंड करना है। और ये रहा ब्रह्मताल का रीजन, वहाँ है झंडी टॉप जिस तरफ हम अभी जा रहे हैं। अभी 12:30 ही हो रहा है दोस्तों, टेंशन वाली कोई बात नहीं है, हम आराम से पहुंच जाएंगे। और कोहरा हट जाएगा क्योंकि हवा चल रही है बहुत तेज़, तो ये निकल जाएगा होपफुली, क्योंकि वहाँ पर धूप फिर से आ गई है। अभी देखो बस प्रे करते हैं कि कोहरा हट जाए, हट जाएगा वैसे तो। बट अभी सेक्शन देखो, ये हमारे कदम और ये रहा रिज। दोस्तों आप ये सामने वाला जो एकदम पीक से देख रहे हो ना, ये इसमें ऐसे रास्ता है, और ये बहुत बेकार रास्ता है, मेरा बिल्कुल भी इस पे जाने का मन नहीं, क्योंकि धुंध भी हो रही है और मेरे को आगे का पता नहीं लग रहा। और मैं वहाँ पर नीचे मेन ट्रेल देख पा रहा हूँ, और मुझे पता है कि मैं इधर से अगर उतरूँगा तो मैं रास्ता बनाते बनाते किसी तरीके से जल्दी पहुँच जाऊँगा मेन ट्रेल पर, और मेन ट्रेल पर एक बार पहुँच गए तो फिर प्रॉब्लम नहीं है। तो हम इसी वाले रास्ते से अपना रास्ता बनाते हुए चलेंगे, भले हमें लेट हो जाए लेकिन हम उतरेंगे अपने बनाए रास्ते से। देखो सेफ्टी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टॉप से, और हमारे साथ कोई और लोग भी नहीं है, अगर हमारे साथ कोई भी मिसहैप हुआ तो हम एक दूसरे को बचा नहीं पाएंगे ज़्यादातर, तो इसलिए हम इस चीज़ को अवॉइड कर रहे हैं और हम समझदारी से अपना उस वाले रास्ते से नहीं चल। इसका नाम है शायद खमीला टॉप बोलते हैं इसको, ये सबसे डिफिकल्ट पार्ट है। यहाँ से ऊपर एक रिज आता है, पूरा एक पॉइंट है, वो ऊपर बिल्कुल लिटरली बर्फ़ वाले रिज से जाना है, तो मैं रिस्क नहीं लेना चाहता। तो चलो हम अपनी ट्रेल फाइंड करते हुए उतरते हैं, भगवान का नाम लेते हैं। जय भोलेनाथ। जय भोलेनाथ। जो बोले सोनेहाल। सत श्री अकाल। झंडी टॉप आ चुके हम दोस्तों, और मतलब हम झंडी पे बैठे, हमने यहाँ पर अपना फर्स्ट ब्रेक लिया है कायदे से सुबह से। हमने अपने सामने देखा ब्रह्मताल स्टार्ट, ब्रह्मताल के नीचे से स्टार्ट किया 500-600 फीट, उसके बाद समिट किया, फिर हम वहाँ का जो सबसे डेंजरस पार्ट है कमीला टॉप, वहाँ नहीं गए क्योंकि वहाँ बर्फ़ पिघल रही थी, धुंध आ गई थी, तो हमें कोई भी पंगे नहीं था, क्योंकि लोकल्स नहीं बोला कि वो भी लोगों को हाथ पकड़ा के आ रहे थे और उनको भी वहाँ पर डर लग रहा था। तो अच्छा हम बीच में से अपना रास्ता बना के आ गए, तो उनको भी लगा कि हमने जो डिसीजन लिया वो एकदम सही था। अब हम यहाँ पे झंडी टॉप पे आके बैठे हैं, थोड़ा रिलैक्स कर रहे हैं, उसके बाद हमें नीचे उतरना है। पहुंच जाएंगे हम, देखते हैं टाइम नोट करते हैं कि जब हम यहाँ से उतरेंगे तो हमें कितना टाइम लगता है, क्योंकि ज़्यादा नहीं है दोस्तों। आजन टॉप ही दिख रहा है यार सामने, तो टेंशन वाली बात वो रहा आजन टॉप, लोहाजंग क्लियर दिख रहा है। तो अब वी आर ऑन द अपने अदर साइड ऑफ आर ब्रह्मताल ट्रैक। हमने चढ़ के सब कुछ देख लिया, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त एक्सपीरियंस था। एक सरप्राइज आपके लिए और है, और वो सरप्राइज ऐसा है कि हमारे स्ट्रे आर्टिस्ट की फैमिली को फायदा होगा, और जिनको भी घूमने का शौक है उनको मजा आएगा, उनको मजा आएगा। देखो मैंने आपको हिंट दे दिया है, अब रब राखा, सोच लेना। हम भी प्लान कर रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं, लेट्स सी वो चीज़ कब हो पाती है,
लेकिन कुछ नया आने वाला है। हम पता क्या सोच रहे थे कि हम झंडी टॉप पे जाएंगे या तो स्नोमैन बनाएंगे या स्नो फाइट करेंगे, लेकिन बात ऐसी है कि हमारा आज का दिन बहुत लंबा गया। अभी हमें जाके थक भी चुके हैं हम बहुत। हाँ, अभी हमें जाके टेंट सेटअप भी करना, हम थक भी गए, हमारा पैर भी दर्द हो रहा है। सो इसलिए हम ये चीज़ अवॉइड कर रहे हैं, हम फनी व्लॉग अभी अवॉइड कर रहे हैं। कल का व्लॉग देखा होगा आपने, वो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, तो हम वैसा कुछ मैजिक क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे, बट हमारे फनकार निकल गए, फनकार निकल चुके हैं क्योंकि आज हम बहुत चले, तीन बज चुके हैं, पार्टी अभी बाकी है। दोस्तों हमने अपना डिसेंट स्टार्ट कर दिया है डालडूम वाली कैंप साइट के लिए। हमने जो आज का सबसे टफ पार्ट था ना, वो कर लिया है, अब इजी पार्ट है। और हमें बोला गया है कि जो बड़े वाला रास्ता है ना वो लेना, ले लेना, वरना छोटे वाला कहीं तुम्हें सीधा लोहा जंग ना उतार दे, फिर हमारा कैंप वगैरह ऊपर आ जाए, फिर एक दिन और डे वन ऑफ भ्रमताल करना पड़े हमें। हम आपको अपना ना लक्ष्य दिखाते हैं दोस्तों। वो पहाड़ी दिख रही है वहाँ, जो खाली सा हल्का सा ग्राउंड वगैरह है ना, दैट इज़ द कैंप साइट। आराम से पहुँचते हैं, है कुछ नहीं, डिसेंड है, वहाँ पहुँचते हैं, सेटअप लगाते हैं थोड़ा अपना, क्योंकि 3:30 बज गए हैं, हमें जाकर अपना टेंट वगैरह अभी पिच करना है, तो वो सब करके आप लोगों से आराम से मिलते हैं। फिर वहाँ पर आपसे खूब सारी बातें करनी है, आज करेंगे, क्योंकि हम इतने दिन से सिर्फ पहले तैयारी में थे कि भ्रमताल हो जाए, तैयारा जैसे एक्सपीरियंस ना रहे, तो बस अब हो गया, तो अब हमारी बातें स्टार्ट हो जाएंगी। दोस्तों अब मज़ा जो है वो और आने वाला है। दोस्तों ये है डालडूम की कैंप साइट, वहाँ पर TTH वालों का ग्रुप बैठा हुआ है और हमने उनसे थोड़ा दूर अपना बसेरा लगा लिया है। ये रही हमारी कुकू। हम लिटरली झंडी टॉप से ना दौड़े हैं, मतलब नीचे को जो स्ट्राइड्स मार के आए हैं, नीचे को ना जब हम आए ना तो हम दौड़ दौड़ के आए हैं ताकि हम रोशनी में पहुँच जाएँ, अपना टेंट पिच कर लें। हमें 6 बजे नहीं पहुँचना था, हमें सनसेट से जस्ट पहले अपना टेंट पिच करके आराम से बैठना था, वो हम अचीव कर चुके हैं। अभी हम रिलैक्स हैं, अभी हमने 2 कॉफ़ी पी थी, अब हम अपने टेंट पे आए हैं, थोड़ा सा ब्लॉग करेंगे, फिर लेयर अप करेंगे और उसके बाद आपको मिलेंगे। सो गाइस अब शाम के 6:15 हो गए, सनडाउन हो चुका है एंड अब ठंड बढ़ेगी, इसलिए हम अपने लिए गर्म सूप प्रिपेयर कर रहे हैं, तो स्टार्ट करते हैं। ये हमारा बर्नर रेडी, ये हमारी क्रॉकरी, ये हमारा स्पैचुला, ये बर्तन वगैरह साइड में कर देता हूँ। सबसे पहले चाहिए हमारे को हमारा प्यारा सा बर्नर, जिसने मेरा हाथ जलाया था दियारा में, क्योंकि मुझे इसकी फ्लेम नहीं दिखी थी। अभी आप क्या बनाने जा रहे हो? सूप बनाने जा रहा हूँ। ओके, मेक श्योर कि आपका ये सीधा हो, अदरवाइज प्रॉब्लम हो सकती है ना। अंदर दिखाना सही है, साफ एकदम फर्स्ट क्लास। वो वाओ, चमक रहा है, चमक रहा है। तो दोस्तों हमारे पास ये कुछ मसाला टीज है, प्री मिक्सेज हैं, जिस गर्म पानी में डालो एंड बॉयल कर दो अगेन, सेम विद द सूप्स। ये वेजिटेबल सूप है और ये दिस इज हॉट एंड सार, ये वेजिटेबल वाला कुकू खाएगी, ये मैं कहूँगा तो मैं पहले कुकू को बना दूँ, ठीक है। और इनमें डलेगा अराउंड 600 ml वाटर, तो हम 500 ml डालेंगे, क्योंकि ये है 1 लीटर की बॉटल और आधा आधा पानी डाला। बस इतना ज़्यादा नहीं हो गया ये? बेटा सूप ज़्यादा ही बनेगा उसमें। अच्छा, 600 ml है ना, 1 लीटर की बॉटल, अभी तो ये कम है, बहुत सारी क्वान्टिटी होती है उसमें। ऑलमोस्ट देयर। हमने कैमरा एंगल चेंज कर दिया है क्योंकि कैमरामैन की बैठे बैठे टांगे दुख गई थी। दोस्तों मैं अब आग जलाने जा रहा हूँ। ओहो, तेरी हेड टॉर्च पे लगती आग? ऐसे नहीं लगती आग। हमने स्टार्ट कर दिया है पानी को उबालना। हाँ। और पानी हिल नहीं रहा, बिल्कुल फर्स्ट क्लास उसकी पोजिशन है। और अब मैं सूप डाल रहा हूँ, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस ये पाउडर मिलाना है इसमें। अरे हमें नहीं दिख रहा भाई, बस ये पाउडर मिलाना है इसमें। हाँ। पानी में एंड इट्स जस्ट रेडी। बेसिक नॉर सूप यार, सब नहीं बनाया है। इसको कंटेनर स्टेयर करते रहो ताकि लम्ब्स ना बने, वरना आपको पता है लम्पी सूप किसी को भी नहीं पसंद, स्पेशली कोमल को, जिसको मलाई से
अटैक आने लगते हैं तो लम्स अगर इसमें आएंगे तो इसको सेम सी फीलिंग आएगी। काफ़ी सारे वेजिटेबल्स हैं इसमें और अभी पानी ठंडा है तो इस करके ये प्रॉपरली मिक्स नहीं हो रहा। इसमें मेरा फेवरेट वेजिटेबल है जिसको कहते हैं कॉर्न, और मुझे कॉर्न सूप में बहुत अच्छा लगता है। ये सूप का टेस्ट मुझे अच्छा लगता है और तूने मुझे लगता है कि मेरे सूप में ज़्यादा पानी डाल दिया। अभी तो देखियो ना बेटा, 3 मिनट तक पकेगा ये, अभी ये थोड़ा थिक होएगा। चल ठीक है, वैसे कोई बात नहीं, ज़्यादा भी मिलेगा तो खाना नहीं खाना ना फिर। हाँ हाँ जी, आपका सूप 3 मिनट में रेडी हो जाएगा। अरे वाह, गरम गरम सूप पीऊँगा। वो मेरा सूप तो लग रहा है तगड़ा। ये स्वीट एंड कॉर्न थिक सूप रेडी हो गया है और ये बहुत टेस्टी लग रहा है, रंधीर ने बनाया। चलो पी के देखते कैसा है। ओहो हो, शेफ बन रहा है तू। ओह माय गॉड, नाइस, गिव मी दैट। ओहो, ये है मेरा सूप। गरम ना हो? गरम तो हो ही गई। मैं पी के बताती हूँ कैसा बनाया इसने सूप। गरम था, आह मस्त, मजा आ गया। इतने ठंड में गरम गरम सूप पी के मैं इसका रिएक्शन देखना चाहती हूँ, उसको कैसा लगा सूप। अरे है कैसा, दवाई जैसा सूप है। तेरे वाला सूप से बहुत मच बेटर है यार। मैं हॉट एंड सार पीता हूँ, ये क्लियर वाले बहुत बेकार से लगते हैं मेरे को। फिनिश कर इसको, चल। पूरी दवाई लग रही है, छी। और इसको टेस्टी बोलते हैं। मुझे तो टेस्टी लगा भाई। बहुत ही बुरा है दोस्तों ये, कितना मर्जी मतलब ये प्रीमियम पे भी बना है ना तो भी नॉट माय थिंग। छल्ली और आ गई इसमें। हमने मैगी खाई, हमने सूप पिया और अब हम अपनी बॉटल के लिए पानी गर्म कर रहे हैं। हो रहा हमारा पानी गर्म ताकि जब हमें प्यास लगे तो हमारे पास हो गर्म गर्म पानी पीने के लिए। और फिर अब हम आपको सीधा टेंट में मिलेंगे लाइट के, प्रॉपर लाइट के साथ, क्योंकि ऐसे व्लॉग करने में थोड़ी सी मुश्किल होती है। तो ये था हमारा आज का दिन, और आज का दिन हमारा लास्ट दिन है पहाड़ों में और ब्रह्मताल के जंगलों में। हाँ, ट्रैकिंग में मतलब हमारा लास्ट दिन है। अभी पहाड़ों में तो लुहाजंग भी है और बाकी सारे भी हैं जहाँ से हम जाएंगे। काफी दिन मतलब परसों का दिन भी पूरा पहाड़ों में ही रहेगा। तो आज का दिन भी बहुत अच्छा रहा, बट मतलब वैसे हम बहुत फिजिकली फिट हैं क्योंकि हमने प्रिपरेशन करी थी इस चीज के लिए, बट आज लेग्स दर्द हो रही हैं और इतनी नहीं हो रही, बट ये थोड़ा मतलब आज फील हुआ कि बॉडी ने आज एक्सटेंसिव वर्कआउट किया। पहले 2 डेज तो पता भी नहीं लगा था, मतलब बॉडी वॉज नॉर्मल। आज हमने क्योंकि चढ़े उतरे फिर चढ़े फिर उतरे, तो वो बॉडी उस तरीके से अब बिहेव कर रही है कि हाँ आप लोगों ने काम किया है। और दोस्तों हमें ना बहुत अंदर से एक खुशी हो रही है कि हमने कर लिया ये, क्योंकि कल हमारा लास्ट डे होगा और लास्ट डे हमें पता है कि 2 घंटे में हम नीचे लोहाजंग पहुंच जाएंगे, क्योंकि हम ऑलमोस्ट कवर कर चुके हैं। जो बेगम टॉप है जितना ऊंचा उतना ही है, हम बेगम टॉप के जस्ट ऊपर ही हैं ऑलमोस्ट, बस जहाँ पे फॉरेस्ट लाइन खत्म होती है हम वहीं पर हैं। कायदे से अगर हम अभी भी उतरे तो हम 1-1.5 घंटे में पूरा नीचे उतर सकते हैं। 1.5 माइल है क्योंकि वहाँ, क्योंकि फॉरेस्ट लाइन खत्म होती है, खुला एरिया दिखता है पूरा, आपको सारे गाँव वगैरह दिख जाएंगे, तो आपको एक पूरा रिलीफ मिलेगा कि आप फॉरेस्ट रेंज से बाहर आ चुके हो। जहाँ आज हमने कैंप किया है ये थोड़ा एरिया फॉरेस्ट में ही आता है, तो पेड़ गिरने का डर रहता है, जानवरों के आने का डर रहता है। आज सच यहाँ पे कोई जानवर है नहीं, किसी को डर नहीं रहता, सिर्फ कोमल को रहता है और इसको इतना डर रहता है कि ये मुझे भी डरा देती है बेफालतू में ही। मतलब ऑलमोस्ट सारी कैंप साइट्स कर दी, दूर वाली फार ऑफ वाली कर ली, अब ये ना जस्ट लोहाजंग के ऊपर वाली जगह पे कह रही है, मतलब ये मेरे को इरिटेट कर देती है, मेरा मन करता है इसको तोड़ दूं मैं, इसको मैं डराऊं भी ना फिर क्या फायदा। अरे यार खुद डर भाई, मेरे को क्यों डराती है यार, क्योंकि तुम लोग ये लोग तो सो जाते हैं, अब मैं इंसोम्निया का आदमी, मैं सोचता रहता हूँ, फिर दिमाग होता है, फिर ये इसकी स्लीपिंग बैग की आवाज़ आती है, मुझे लगता है भाई लायन अब तो अटैक करना है, यही खड़ा है बस। तो दोस्तों कल हम बस लोहाजंग पहुँचेंगे आराम से, फिर अपना रिलैक्स करेंगे, चिल करेंगे। आज आप आज भी मतलब आज का डे भी बहुत अच्छा था, आज हम सेल्फ सफिशिएंट थे। कल ये था कि वो हमारे को फ्रेंड्स मिल गए थे, तुम्हारे फ्रेंड्स बन गए, तो आज हमने खुद ने खाना बनाया, सारा एंजॉय किया, अपने लकड़ी के पास बैठ के थोड़ी देर गाने सुने अच्छे से, आज काफी गाने सुने क्योंकि हमारे पावर बैंक से नहीं यूज हुए। एक ही पावर बैंक ने पूरा ब्रह्मताल ट्रैक निकाल दिया, जितनी भी वीडियोस देखी आपने सोचो एक ही पावर बैंक ने बार बार बैटरीज रिचार्ज करके निकाल दिया, और अभी भी हमारे पास 20,000 mAh के 2-2 पावर बैंक पड़े हैं।
फुल चार्ज्ड। हम बहुत तैयारी करके आए थे, हमें लगा था कि क्योंकि बैटरीज ड्रेन हो जाती हैं बहुत जल्दी ठंड में, अपने आप ही अगर बाहर छूट गई तो ड्रेन हो जाती हैं, तो हम अपनी बैटरीज को एकदम कपड़ों में लुका के दबा के क्योंकि प्रेशर बना के रखते हैं उनपे, क्योंकि हमें था कि हमारे कंटेंट में ना ऐसा ना हो हमें कि भाई ये ना शूट कर सकते हैं क्योंकि अब हमारे पास बैटरीज नहीं है। हमने बहुत फुल तैयारी कर दी, एक्स्ट्रा ही कर दी थी, इसलिए हमने आज सोचा कि हम गाने तो सुन लेते हैं। और आज गाने सुनने का एक और रीजन है कि हमने ब्रह्मताल टॉप पूरा कर लिया इस बार। हम जो क्योंकि हमारी ना खुद से लड़ाई थी कि हमने दियारा टॉप करा नहीं था पूरा, बट एक बात नहीं है, आज हमने ब्रह्मताल इजीली और अच्छे से ये पूरा ब्रह्मताल ट्रैक इसलिए करा क्योंकि हमारे पास दियारा बुग्याल का एक फेल्ड एक्सपीरियंस था। एंड आपको पता है कि फेलियर से ही आपको पता लगता है कि आप क्या चीज़ अच्छी नहीं कर रहे हो, क्या कर रहे हो। पहले हम दियारा में लेट उठते थे, 10 बजे 8 बजे तो उठते थे, फिर उसके बाद हम फायरवुड भी कलेक्ट करते थे, फिर वहाँ मस्ती से आग लगाते थे, फिर खाना खाते थे, फिर पैक करते थे। तो मतलब 8 बजे उठ के हम 1-1 बजे निकल रहे थे। अब इस टाइम पर हम 1-1 बजे तक कैंप साइट पे ही पहुँच रहे हैं, तो आप आइडिया लगा लो किस हिसाब से तैयारी है। मतलब जो दियारा था ना, मतलब दियारा की जो भी तैयारी हमने करी थी वो हमारे ब्रह्मताल में हमें बहुत मदद करी, और ब्रह्मताल में बहुत इजी लगा उस चीज के साथ। और जो दो दिन, जो आज जो कल का पूरा डे, मतलब कायदे से सुबह का छोड़ के शाम दोपहर जो अब हम कैंप साइट पे पहुंच गए थे ब्रह्मताल की, तो जो हमारे फ्रेंड्स बने उन लोगों ने हमारे लिए सब कुछ ही कर दिया, हमें जीरो कुछ भी नहीं करना पड़ा। तो आज हमें मजा आया फिर से और ज्यादा, क्योंकि हमने सब कुछ खुद से करा आज फिर से। पहले ना हम सोच रहे थे कि हम सारा फूड लाए हैं, जब हम सब कुछ कर सकते हैं हम इनसे हेल्प क्यों लें, है ना, कि फिर तो ये हमारा ट्रैक करने का कोई मतलब ही नहीं हुआ। पर फिर हमने सोचा कि यार यही तो बात दो होती दिन है, तो कर ही लिया है। नहीं कि यही तो बात होती है, ट्रैक पे आओ, लोगों से मिलो, बातें करो, फ्रेंड्स बनाओ, या फिर कोई अच्छा टाइम स्पेंड करो, उनकी बातें सुनो, तो हमें लगा ये भी करना चाहिए। और उन्होंने हमारे को कई बार बोला था, तो मैं उनकी भी रिस्पेक्ट करनी थी, क्योंकि अगर उन्हें मना करते तो फिर वो डिसरिस्पेक्टफुल हो जाता है एक बात के बाद, एक टाइम के बाद। क्योंकि उन्होंने काफी बार कहा था और वो काफी और वो दिल से बुला रहे थे, वो ऐसे नहीं, वो लोग अच्छे हैं, उन लोगों ने जितने भी आड़े टेढ़े दूर दूर से आ रहे थे उन्होंने सबको खाना खिलाया, आज यार तुम खाना खाओ मस्ती। कई लोग जो इतने अंडर प्रिपेयर होके आते हैं, अंडर प्रिपेयर क्या, प्रिपेयर ही नहीं होके आते, वो सोचते हैं कि ऐसे ही ट्रैक है ये, तो वो बस स्लैक्स पहन के पजामे पहन के चल पड़ते हैं, तो और उनको ये भी नहीं पता होता ऊपर ढाबा मिलेगा नहीं मिलेगा, उनको ये भी नहीं पता होता ऊपर कैंप साइट ट्रेल के बारे में नहीं पता कुछ, किन्हीं को ढूंढते हैं तो उनको पता लगता है कि ये तो कैंप वाले हैं, उनको बोलते भैया ये ढाबा है क्या, हमें कुछ खिला दोगे। इधर इतनी ठंड नहीं है, मैं कहना चाहूंगा इधर इतनी ठंड नहीं है, मैं नॉर्मल अभी एक सिर्फ मैंने एक पजामा पहना हुआ है, और अभी अपने ऊपर ये फ्लीस है अभी मैं उतार दूंगा, सिर्फ टी शर्ट और वार्मर पहन के, और नीचे और एक पजामा पहन के सो जाऊंगा मस्त। तो ये था दोस्तों हमारा day 3 ऑफ द ब्रह्मताल ट्रैक, एंड हमें भी बहुत मज़ा आया, हम बहुत थके, वी होप आप लोगों को भी मज़ा आया होगा, एंड आई एम श्योर आप लोगों भी हमारी वीडियो से थके नहीं होंगे, क्योंकि हमारी सीरीज में ना हमने पूरी जान लगा दी है इस बार। और अभी आपको ऐसा तो नहीं लग रहा है ना कि बस खत्म हो गया, ये खत्म नहीं हुआ, अभी कल का डे है, अभी कल का डे है, उसके अगले वाला दिन है, वापस भागना है हमारे को डेली, हम उसमें एंजॉय करते जाते हैं, देखते कैसे कर रहे हैं, क्योंकि मेरी मम्मी ने मुझे कहा है कि तू गंगा जल लेकर आइयो, और गंगा जल हरिद्वार में हर की पौड़ी से ही उठा के लाइयो, ऋषिकेश वगैरह से भी गंगा बहती बट नहीं। सो गाइस इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, क्योंकि हमें थोड़ा रेस्ट करना है और हमें अब नींद आ रही है, आज होपफुली आ जाए अच्छे से नींद, मुझे लगता है मुझे आ जाएगी, क्योंकि मुझे कल रात को नहीं आई थी और अब मेरी बॉडी बोल रही है कि अब तू सो जा। ओके गाइस वी विल सी इन द नेक्स्ट वन, तब तक के लिए वेयर डू वी सो नाउ।